देश के हर छोटे बड़े दुकानदार स्टोर मालिक को बिग ब्लिस देता है, खुशियों के वो पल जिनका हक है आपको। बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बाजार की चाल में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाठी, और बाजार की चाल में आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पे कमोडिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि शाम के कारोबारी सत्र में कृषि फसलों का वायदा बाजार कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है। लेकिन कृषि फसलों के वायदा बाजार पर चर्चा करने से पहले आपको बता दूं, अगर विदेशों की तरह ही आपको भी भारत में ओमिक्रॉन से लॉकडाउन लगने का डर सता रहा है, तो अब और आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर ओमिक्रॉन से लॉकडाउन लगता भी है, तो आपकी दुकानदारी, आपकी सेल को बचाने के लिए मार्केट में एक ऐसी ऐप आ गई है जिससे आपकी सेल सिर्फ बचेगी ही नहीं बल्कि बढ़ेगी भी। ऐप का नाम है माई बिग ब्लिस ऐप, MYBIGBLISS माई बिग ब्लिस। इस ऐप के जरिए आप अपना सामान कुछ भी बेच सकते हैं, जो भी आप सामान बेचना चाहते हैं। करना छोटा सा काम होगा, प्ले स्टोर से जाके ऐप को डाउनलोड कर लेना है और फिर अपना स्टोर बना लेना है। जो भी आप स्टोर बनाना चाहते हैं और जो भी आप प्रोडक्ट्स लाइव करना चाहते हैं, आप इस पर कर सकते हैं और भरपूर लाभ कमा सकते हैं। तो तुरंत डाउनलोड कर रजिस्टर कर लें अपनी दुकान माई बिग ब्लिस ऐप पर। तो इसी के साथ चर्चा कर लेते हैं आज के कमोडिटी बाजार के अपडेट की। और कमोडिटी बाजार के अपडेट पर शाम के कारोबारी सत्र में इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया जी। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट एमसीवी पर। अजय जी, सबसे पहले आपसे कैसा सीड के ऊपर बात करना चाहूंगा। हमने कैसा सीड को देखा है कि एक रेंज में होकर फंस गया है 5800 से 6000। कल के कारोबारी सत्र में हमने देखा था कि कैसा सीड मॉर्निंग में तो 5800 के लेवल से ट्रेड करना शुरू हुआ था, लेकिन 6000 तक जाते जाते रुक गया था। वहां पर 6000 का लेवल टच नहीं कर पाया था, और फिर वही ट्रेड हम आज भी फॉलो होता हुआ देख रहे हैं। 5800 से शुरू होते होते 6000 पर जाता हुआ नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पे आज 6000 के ऊपर सस्टेनेबिलिटी देखने को मिल पाएगी कैस्टर में, और क्या आगे कैस्टर 6000 के ऊपर के लेवल दिखा पाएगा या फिर से यहाँ पे लींचे लुढ़कता नजर आएगा? देखिए, कैस्टर में नो डाउट हमारा भी व्यू काफी तेजी का था। हमने आपके चैनल पे भी कहा था कि प्राइजेस अगर 6400 के ऊपर निकलता है तो हम 6800 से लेकर 7000 का भी लेवल देख पाएंगे। बट आपने देखा, प्राइजेस ने 6400 का लेवल जरूर तोड़ा, बट 6800 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। और साथ में अब देख रहे हैं कि धीरे धीरे जैसे चाइना ने कुछ पोर्ट शट डाउन किए हैं, तो कैस्टर मिल और कैस्टर ऑयल की जो एक्सपोर्ट है वो पिकअप नहीं कर पा रही, जिसके चलते हमको लगता है कि प्राइसेस के अंदर फिर से एक कूल ऑफ आना चाहिए। क्योंकि जनवरी ऑनवर्ड्स आप समझ के चलिए कि मार्केट में नए अराइवल्स आने चालू हो जाएंगे, तो जिसके चलते हमें लगता है मार्केट में फिर से गिरावट का रुख रहेगा। नो डाउट आज थोड़ी बहुत रिकवरी मार्केट में दिखाई दे जरूरी है, बट ये सस्टेनेबल रिकवरी नहीं रहेगी। हमें लगता है प्राइजेस में वापस एक गिरावट का रुख रहेगा जो 5600-5700 तक का भी लेवल दिखा देगा। टाइमिंग हो सकता है प्राइजेस 6000 से 6100 के बीच में जाए, बट ये सस्टेनेबल नहीं रहेगा। उस लेवल पे जाने पे हमें बिकवाली करके चलनी चाहिए। ओवरऑल 5600 से 5700 का जो रेंज है, इस रेंज में मार्केट आते हुए दिखाई देंगे जी। तो यानी कि कैसे की जो एक्सपोर्ट डिमांड है अभी वो पिकअप नहीं हो पा रही, चाइना की तरफ से जो एक्सपोर्ट डिमांड आनी चाहिए थी वैसी देखने को नहीं मिली है। चाइना ने भी अपनी कुछ पोर्ट्स बंद किए जैसा अजय जी ने हमें बताया, इसकी वजह से हमने कैसे की कीमतों को टूटते हुए देखा है। हालांकि अभी हाल फिलहाल में अजय जी के अनुसार कैस्टर भले ही ऊपर में 6100 के लेवल दिखा दे, लेकिन उनके अनुसार कैस्टर पे ऊपरी स्तर पर बिकवाली ही करके चलना चाहिए, क्योंकि कैस्टर में नीचे कीमतें 5600 से 5700 का स्तर दिखा सकती हैं। यहीं से अजय जी बात करें बिनौला खल की, तो बिनौला खल में आज हम देख रहे हैं कि इंट्राडे में काफ़ी अच्छे लेवल्स देखने को मिले हैं, काफ़ी ठीक ठाक तेजी देखने को मिली है। इस वक्त भी देख रहे हैं 2% से ज़्यादा की तेजी है, 2860 के ऊपर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है, क्या इस हफ्ते की क्लोजिंग तक बिनौला खल 2900 का लेवल सस्टेन करने में कामयाब हो पाएगा? बिल्कुल, मुझे लगता है कि पूरे एग्री पैक के अंदर, जैसे मैंने आपके चैनल पे भी कहा था कि 2022 का जो पीरियड रहेगा वो कॉटन सीड ऑयल के लिए जबरदस्त रहना है, और उसी के तहत पे हमने देखा प्राइजेस 2400 से मार्केट मूव करते करते अब ये 2900 का लेवल तोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। मार्केट में शॉर्टेजेस बना हुआ जरूर है, ओवरऑल हमें लगता है कि मार्केट में तेजी का रुख कायम रहेगा।
थोड़ा बहुत अराइवल प्रेशर, और साथ में हमने देखा कि कुछ एसोसिएशन ने लेटर भी लिखा था कि कॉटन सीड ऑयल को बैन कर देना चाहिए, जी उसकी वजह से मार्केट में थोड़ी बहुत पुल बैक आया था। अदरवाइज अब तक ये मार्केट 2950 का लेवल तोड़ चुका होता। तो टाइमिंग मुझे लगता है मार्केट में बिल्कुल लेके चलना चाहिए। कल का सेशन भी अगर देखें तो 2900 का पार करता हुआ दिखाई देगा। ओवरऑल अगर कोई जनवरी मिड तक की बात करे तो मुझे लगता है 3100 से 3150 तक का लेवल दिखा देगा। सप्लाई शॉर्ट काफी है और दूध के भी भाव जल्द बढ़ने वाले हैं, जिसके चलते प्राइसेस को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। तो करंट मार्केट से भी लिया जा सकता है। ये वीक मुझे लगता है 29,40-29,50 तक का लेवल, और अगले हफ्ते में हम 3,000 का लेवल ऑलमोस्ट छूते हुए देखेंगे कॉटन सीड ऑयल के अंदर। जी, तो यानी कि बिनौला खल में अभी जो लेटर लिखा गया था कुछ एसोसिएशन के द्वारा कि बिनौला खल का जो वायदा बाजार उस पर बैन लगाया जाए, इसकी वजह से हमने बिनौला खल की कीमतों में नरमी आते हुए देखी थी। वरना अजय जी के मुताबिक बिनौला खल अभी 2900 के पार जा चुका होता, 2900 के ऊपर का लेवल टच कर चुका होता। ओवरऑल रुझान अजय जी की तरफ से बिनौला खल में तेजी का ही रहेगा। जनवरी मिड तक बिनौला खल 3000 से ऊपर का लेवल दिखाने में कामयाब हो सकता है। यहीं से अजय जी बात करें अगर कॉटन सीड ऑयल के बाद अगर कॉटन की, तो कॉटन में आपको क्या लगता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आंध्रा में भी कॉटन की जो क्रॉप है वो थोड़ी बर्बाद होती नजर आई है बेमौसम बारिश की वजह से, और दूसरा हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में भी कॉटन की जो फसल है उस पर पिंक बॉल वॉर्म एक बार फिर से देखने को मिला है। ऐसे में आपको क्या लगता है घरेलू सप्लाई और डिमांड और ये जो अब फसल खराब होती नजर आई है उसका ओवरऑल कुल मिलाकर रुझान कॉटन का आगे कैसा रहेगा? देखिए कॉटन में मुझे लगता है कि थोड़ा जीएसटी का जो रेट चेंजेस हुआ उसके बाद मार्केट को थोड़ा सेटबैक लगा है, और दिवाली के बाद ऐसा लग भी रहा था कि मार्केट के अंदर थोड़ा कूल ऑफ आना चाहिए था, हायर भाव पे डिमांड नहीं निकल पा रही थी। इंटरनेशनल में भी हमने देखा हॉलीडे मूड के चलते आइस पे कॉटन फ्लैटी स्टोन के साथ ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो टाइमिंग डोमेस्टिक मार्केट पे मुझे लगता है जब तक 34,000 का लेवल ब्रीच नहीं करता है प्राइसेस एक दायरे में रहेंगे जो 31,500 से 32,500 के बीच में रहेगा। ओवरऑल हमें ध्यान तेजी का, बट थोड़ा पुल बैक समझो 31,500 31,800 के बीच में मिले वहां पे लेके चलना चाहिए। लॉन्ग टर्म व्यू अगर हम फरवरी या मार्च तक की बात करें तो ये 38 से 40,000 तक का भी लेवल दिखा देगा, क्योंकि क्रॉप साइज जो हम 370 के बाद 360 और अब कुछ ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि अनसीजनल रेन और पिंक बॉल वॉर्म का जो कंसर्न है इसके वजह से यील्ड में और फर्दर ड्रॉप होती हुई दिखाई देगी, जो एक सपोर्टिव मूव रहेगा। नो डाउट हमने एक्सपोर्ट्स में थोड़ा सा एक ड्रॉप जरूर आते हुए देखा, बट इन ऑल जिस ढंग से रुपए में गिरावट बढ़ी है कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि एक्सपोर्ट डिमांड भी धीरे धीरे इंप्रूव होगी। इस बार वेदर कंडीशन में भी काफी सीवियर कोल्ड की प्रेडिक्शन आई हुई है जिसके चलते डिमांड आगे कंटिन्यू रहेगी, तो आई थिंक थोड़ा पुल बैक मिल जाए तो बेटर है लेने के लिए। इन ऑल अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो मेरे को लगता है 33,800 से 34,000 और मार्च तक की बात करें तो 38,000 तक का भी लेवल आराम से क्रॉस कर सकते हैं। जी, तो यानी कि जो कपास है वो उस श्रेणी में 2022 में देखने को मिल सकती है, जब कपास को कपास के नाम से नहीं सफ़ेद सोना के नाम से कहना सही रहेगा। अजय जी के मुताबिक कपास यानी कॉटन फरवरी 2022 तक 38,000 तक के लेवल दिखाने की ताकत भी रखती है। ओवरऑल रुझान कॉटन की कीमतों में तेजी का ही रहेगा, प्राइसेज हैं सपोर्टिव बने रहेंगे। यहीं से अजय जी बात करें अगर अब मसाला कॉम्प्लेक्स की, तो मसालों हम देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट तो काफ़ी ठीक ठाक देखने को मिला है, भारत के जो निर्यात के आंकड़े निकल के सामने आए हैं वो भी काफ़ी अच्छे निकल के सामने आए हैं, लेकिन वायदा में देख रहे हैं कि कीमतें कुछ टूटती नजर आई हैं पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशंस में। आपको क्या लगता है वायदा में अब मसालों में आगे कैसा रुख देखने को मिल सकता है? देखिए मसालों भी में मुझे लगता है कि 2022 काफी शानदार रहने वाला है। नो डाउट एक्सपोर्ट की डिमांड जो ड्रॉप आए हैं अभी एक्सपोर्ट के फिगर्स वो इनलाइन ही है, हमें भी उम्मीद थी कि इस बार इतना इंप्रूवमेंट नहीं दिखेगा, बट जैसे हम जनवरी फरवरी में लौटेंगे वहां पे एक्सपोर्ट डिमांड भी बढ़ते हुए दिखाई देगी। इस बार की जो रैली हुई है ये एरिया अंडर कल्टिवेशन में ड्रॉप होने की वजह से हुआ था, तो थोड़ा भी पुल बैक अगर मिलता है जैसे जीरे के अंदर हम समझते हैं 16,200-16,300 और धनिया के अंदर 8,200-8,300 ये रेंज में मिले लेके चलिए। अभी भी काउंटर काफी बुलिश है, जो उम्मीद करते हैं हम फरवरी एंड तक 20,000 का लेवल जीरे में क्रॉस हो जाएगा और धनिया भी कम से कम 12,000 का लेवल क्रॉस कर जाएगा। बट अब अगले 15-20 दिन मुझे लगता है कि
एक करेक्शन आना बहुत जरूरी है, तभी ये रैली अप हो जाएगा। जिस दिन से कोरोना का कंसर्न फिर से बढ़ा है, चाहे चाइना है, चाइना ने काफी पोर्ट्स बंद भी किए हैं, मिडिल ईस्ट ने भी कोई इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिमांड एज ऑफ नाउ नहीं निकल रही, लेकिन रमजान की इस बार डिमांड जो रहेगी उसका एक दबदबा मार्केट के अंदर फरवरी मंथ में देखा जाएगा, और उसी के चलते हमें लगता है कि जनवरी फरवरी मंथ दोनों ही टाइट रहने की उम्मीद है। तो थोड़ा बहुत पुल बैक मिलना चाहिए 500-600 पॉइंट का जीरे के अंदर, और धनिये के अंदर भी 400-300 पॉइंट का एक फॉल मिलता है, उस फॉल पे हमें लेके चलना चाहिए। जी ये सर जी, अगर आगे बढ़े बात करें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो ग्वार में हमने देखा है कि 11,000 का लेवल गया, टच हुआ था, उसके ऊपर कीमतें निकली थी ग्वार गम की, ग्वार सीड भी 6100 के ऊपर निकला था, फिर वहां से कीमतें नीचे गिरती नजर आई थी, लेकिन आज फिर से देख रहे हैं कि ग्वार गम और ग्वार सीड फिर से तेजी की ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये उठापटक का माहौल अभी ऐसे ही जारी रह सकता है आगे भी? बिल्कुल, मुझे लगता है कि ओवरऑल तो व्यू जो है ग्वार का साइडवे टू नेगेटिव ही है। उम्मीद थी दिसंबर मंथ में मार्केट में एक बाउंस आने की, वो आता हुआ दिखाई दिया सीजनलिटी के हिसाब से या रेशियो के हिसाब से, जो मुझे लगता है कि आगे जाके एक बार प्रॉफिट बुकिंग में आ जाएगा। तो 6,200-6,250 तक का लेवल ही लग रहा है मेरे को मैक्सिमम दिसंबर मंथ में, अगर दिखने मिल जाता है तो वो रेंज एक ऐसा रहेगा जहाँ पे हम बिकवाली कर सकते हैं। और डाउन साइड में मुझे फिर से उम्मीद यही है कि ग्वार सीड की अगर पर्टिकुलरली बात करें तो करीबन 5,500-5,600 का एक बेस बनाना चाहिए। वहीं ग्वार गम है, ये भी मुझे लगता है कि 9,800-10,000 के बीच में एक बार मिलता है तो फिर से रिव्यू करना चाहिए। ओवरऑल मुझे लगता है ग्वार कॉम्प्लेक्स के अंदर फिर से बिकवाली हावी होते हुए दिखाई देगी। जी यही सर जी, बात करें अगर सोयाबीन की, तो सोयाबीन में हमने देखा है कि जब से सेबी ने फैसला लिया था कि 7 कम्युनिटीज को बैन करने का, उसके बाद से हमने ओवरऑल पूरे ही वायदा बाजार में गिरावट आती देखी थी। सोयाबीन की कीमतों में भी ज्यादा गिरावट रही थी, नीचे में कीमतें 5,600-5,700 तक भी जाती नजर आई थी, लेकिन आज देख रहे हैं कि अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल रही है। आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से सोयाबीन में अभी 3.5% से ज्यादा की तेजी बनी हुई है, तो क्या आज क्लोजिंग होते होते सोयाबीन 6,200 का भी लेवल दिखा सकती है? देखिए सोयाबीन में मुझे लगता है कि आज तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है ट्रेड इसमें, बट वैसे भी मार्केट ध्यान तेजी का ही है, जिसके चलते हमने देखा गवर्नमेंट के ये एक्शंस होते हुए दिखाई दिए। तो मुझे लगता है कि मार्केट में हो सकता है कि एक बार जो पैनिक सिचुएशन बनी है वो कंटिन्यू रह सकती है। तो रेंज अगर सोयाबीन की बात करें तो 5,800 के नीचे जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, 6,400 के ऊपर नहीं जाता हुआ दिखाई दे रहा, जबकि इंटरनेशनल में भी हमने देखा क्रॉप कंसर्न के चलते इंटरनेशनल में भी हमने जबरदस्त तेजी देखी, 1,320 का लेवल भी आज के सेशन में छूते हुए देखा। तो थोड़ा पुलबैक जरूर बनता है जो 6,400 का लेवल दिखा दे, बट जिस ढंग से गवर्नमेंट ने जो एक्शंस लिए हैं इसके बाद मुझे लगता है कि मार्केट एक सीमित दायरे में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई बड़ी तेजी या बड़ी मंदी नहीं करेगा। बट हाँ, लॉन्ग टर्म व्यू अभी भी मैं सोया कॉम्प्लेक्स में अगर बात करें तो वो तेजी का ही बनता है, क्योंकि इस बार क्रॉप साइज ठीक है, मस्टर्ड की अच्छी है, बट मस्टर्ड की क्रॉप जो आएगी दैट विल बी इन द मंथ ऑफ मार्च, उससे पहले मार्केट टाइट रहने की उम्मीद है जो सपोर्ट कर सकता है प्राइजेस को। जी तो यानी कि अजय जी की तरफ से सोयाबीन में ओवरऑल रुझान लॉन्ग टर्म के लेके चला जाए तो उसमें पॉजिटिव ही है, आगे जो मस्टर की जो क्रॉप आएगी वो मार्च के एंड तक या मार्च के मिड तक ही आने की उम्मीद है अगले साल में, क्योंकि इस बार सरसों की जो बुआई है वो भी एक महीने की देरी से हुई थी और देश में जितना भी सरसों का स्टॉक था वो लगभग खप चुका है, कंज्यूम हो चुका है। तो अब ये जो जितने महीने अभी रहने वाले हैं सरसों की आवक के आने में, उस दौरान खाद्य तेलों की जो सप्लाईज हैं वो थोड़ी टाइट रह सकती हैं, जिसकी असर सोयाबीन की कीमतों में तेजी के तौर पर भी देखने को मिल सकता है। यही सर जी, बात करें अगर पल्सेस की, तो पल्सेस में आपको क्या लगता है, क्योंकि पल्सेस में हमने देखा है कि ओवरऑल जो कीमतें हैं वो भी MSP से नीचे ही देखने को मिल रही हैं, इम्पोर्ट ड्यूटी इम्पोर्ट भी किया जा रहा है, ड्यूटी फ्री आयात भी किया जा रहा है दालों का, और अब भारत बातचीत भी कर रहा है आगे दालों का और आयात करने के लिए, ऐसे में आपको क्या लगता है आगे दालों का बाजार कैसा रह सकता है? देखिए पल्सेस, ऑयल सीड, इन सब के जो इन्फ्लेशन में कंट्रीब्यूशन काफी अच्छे होते हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने काफी स्कोप लेकर पहले ही हमने देखा कि चेन्नई में स्टॉक लिमिट लगा दिया गया था, उसके बाद चेन्नई के अंदर हमने फ्यूचर भी बैन होते हुए देखा था, उसी के तहत हमने प्राइजेस के अंदर ये कूल ऑफ आते हुए देखा। बट सबसे बड़ा कंसर्न इसमें ये भी है कि MSP के नीचे चलने की वजह से फार्मर थोड़ा डिमोरल हो जाएंगे हार्वेस्टिंग के टाइम पे अगर भाव नहीं बढ़ता है तो। नो डाउट अटकलें ये भी लगाई जा रही है कि भावांतर योजना के तहत फार्मर को बेनिफिट मिल सकता है,
या सपोज नेफेड एक्टिव रहती है बाइंग में, वो बेनिफिट मिल सकता है। बट टाइमिंग मुझे लगता है कि ये काउंटर भी ऐसा ही रहेगा जैसे मैंने पहले भी सेशन में जी बताया था कि गवर्नमेंट के रेडार पे आ चुका है ऑलरेडी, तो इसमें कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़ी तेजी तो नहीं आएगी। हाँ, ये उम्मीद जरूर की जा सकती है कि एमएसपी की तरफ जाता हुआ जरूर दिखाई देगा, कहीं ना कहीं मैच करने की कोशिश करेगा जरूर। और सबसे इम्पोर्टेंट जो रहेगा जनवरी फरवरी मंथ में, वो रहेगा वेदर कंडीशन, जी जहां हमें लगता है कि सीवियर कोल्ड की वजह से क्रॉप के यील्ड में ड्रॉप आ सकता है, क्रॉप स्टैंडिंग क्रॉप को डैमेजेस हो सकता है इनके अगर बारिश या हेल स्टॉर्म अगर हिट होता है जनवरी फरवरी में, जी तो ये देखने वाली बात रहेगी। क्योंकि अगर थोड़ा भी अगर ऐसा ड्रॉप आता है तो कहीं ना कहीं ये कॉटन कहीं ना कहीं ये चने के प्राइजेस को बहुत अच्छा सपोर्ट दे देगा। तो मैं इतना बड़ा कोई मंदी नहीं पकड़ के चलता हूँ, बट हाँ प्राइजेस के अंदर गेंस आने पूरे हैं, क्योंकि फेस्टिव सीजन भी रहेगा जनवरी फरवरी मार्च में, जहाँ पे बेसन की डिमांड बढ़ जाती है। तो टाइमिंग मार्केट साइडवे है, बट फ्यूचर में है नहीं, बट हाजिर में अगर हम बात जी करें जनवरी एंड तक या फरवरी की, तो वहां पे हमें लगता है कि चने के प्राइसेस में कंटिन्यू तेजी का रुख बना हुआ रहेगा। जी ये सर जी, बात करें अगर मेंथा की, तो मेंथा के फंडामेंटल्स अभी कैसे देखने को मिल रहे हैं, और मेंथा में आगे कितनी मंदी तेजी देखने को मिल सकती है? देखिए मेंथा का जो यूसेज है वो विंटर्स में ज्यादा होता है, तो उम्मीद तो ये रहती है कि विंटर्स के अंदर फार्मास्यूटिकल डिमांड कंटिन्यू मेंटेन रहेगी। पर मंडी शुल्क को लेकर अनसर्टेनिटी और हाजी मार्केट में कुछ स्ट्रेंथ दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने पहले भी जैसे कहा था कि 920 से 980 का एक ब्रॉडर रेंज बन चुका है, अनसर्टेनिटी ये लेवल ब्रिज नहीं करता, मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में रहेगा। तो रिसेंटली हमने देखा 990 का लेवल छूने के बाद प्राइस में पुल बैक जरूर आया, बट आज वापस स्ट्रेंथ आता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑलमोस्ट आज अगर हम देखें तो 976 के करीब हमारा दिसंबर वाइज ट्रेड कर रहा है, तो मे बी ये कंसोलिडेशन कंटिन्यू रहेगा। बट उम्मीद है कि अगले साल कोरोना के बाद जो फार्मास्यूटिकल और बाकी एजेंसीज में जो यूसेज बढ़ता है ये प्राइस को सपोर्ट करेगा। तो मेरी सलाह रहेगी 1000 का लेवल वॉचफुल रखिए, अगर 1000 के ऊपर भाव निकलता है इस बार तो हम कम से कम 100 से 150 पॉइंट की तेजी देख पाएंगे मेंथा में। ओवरऑल काउंटर काफी स्ट्रांग रहने की उम्मीद है, खाली इंपॉर्टेंट ये है कि मार्केट में वॉलिटिलिटी या वॉल्यूम पार्टिसिपेशन आए तो हलचल होता हुआ दिखाई देगा, बट ओवरऑल काउंटर जो रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। जी अजय जी, आखिरी सवाल रहेगा मेरा आपसे, आपकी तरफ से टॉपिक्स क्या रहेंगे जो इस पूरे कारोबारी सप्ताह में अच्छा मुनाफा दे सकते हैं? देखिए हाईटेक एग्री के अंदर तो काफी है, और देखा जाए तो व्यू भी काफी इनलाइन चल रहा है। तो पहला सलाह रहेगा कैस्टर के अंदर, अगर ये 6000 के ऊपर मिलता है तो वहां पे बेच के चलिए 5850 के लिए, जबकि कॉटन सीड ऑयल के करंट मार्केट से भी लिया जा सकता है। 29 40 50 का लेवल अगर तोड़ता है तो आई थिंक 3040 50 तक का भी लेवल इजीली अचीवेबल रहेगा। तो मुझे लगता है पूरे एग्री कमोडिटी में अच्छा हलचल रहेगा, बट अगर 2 5 दिन का व्यू लेके चलते हैं तो कॉटन सीड ऑयल की एक अच्छी कमोडिटी निकल के आनी चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसा कि अजय जी ने बताया कि बिनौला खल टॉपिक रहेगा उनकी तरफ से, उन्होंने जो लेवल दिए हैं आप उनको अचीव करने के लिए बिनौला खल में खरीदारी करके चल सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। बिनौला खल आपको सिर्फ 2021 में ही नहीं बल्कि 2022 में भी अच्छा मुनाफा देने की ताकत रखता है। तो फिलहाल बाजारों की चाल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आपका एंजॉय गने क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना हुआ है मार्केट एमसीवी पर।